हे ट्रेकर्स मंडली, स्वागत है आपका सह्याद्री के पहाड़ों में। और ये है सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर, द एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि द कलसुबाई पीक। दोस्तों, टेक्निकली देखा जाए तो ये पीक के ऊपर जाना मतलब अपने महाराष्ट्र स्टेट के टॉप पे जाना। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ये पीक के ऊपर जा सकते हैं विथ लॉट्स ऑफ सिनेमेटिक शॉट्स एंड ड्रोन शॉट्स। कलसुबाई ट्रैक का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ये व्लॉग में मिलेगा, तो ये व्लॉग आखिर तक जरूर देखना। वेल दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बारी विलेज में। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, विंटर से इसलिए जल्दी सनसेट हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे एग्जैक्टली बैक साइड कलसुबाई पीक कम्प्लीटली विजिबल है, और पीक के एग्जैक्टली बैक साइड अभी सनसेट हुआ। मैंने फुटेज कैप्चर किया है, आपको दिखाता हूँ। तो ये जो ट्रैक है दोस्तों वो 3.6 किलोमीटर का ट्रैक है। 4-4.5 घंटे लग जाते हैं बिकॉज एकदम स्टीप असेंट है। एकदम पीक के ऊपर जाने का रहता तो एकदम स्टीप असेंट करना पड़ता है, तो 4.5 घंटे अप्रोक्सीमेट लग जाते हैं। बट हम लोग को और ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज हम लोग आराम से शूट करते करते जाएंगे, क्योंकि अभी 4:30 बज रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद प्रॉपर सनसेट हो जाएगा, कम्प्लीट डार्क हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग नाइट ट्रैक करने वाले हैं ऊपर तक जाने के लिए। फिलहाल तो अभी यहाँ पे हम लोग रुक के कुछ खाएंगे दोस्तों। ये जो है मेन रोड है बारी का, यहाँ पर 2-3 आपको दुकान मिलेंगे जहाँ पे आपको खाना मिलेगा, और बाकी जो दुकान एंड स्टॉल्स है वो आपको ऑन द वे भी मिलेंगे। बट अगर आपको प्रॉपर खाना खाना है तो बारी विलेज में आपको प्रॉपर खाना मिलेगा। सैटरडे संडे को आपको रेडी खाना मिल जाएगा, बाकी दिन आपको ऑर्डर देना पड़ता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग खा लेते हैं यहाँ पे कुछ, पेट पूजा करते हैं, तब तक आप देखो यहाँ पे कैसे आने का। वो कलसुबाई ट्रैक का बेस विलेज है बारी विलेज, जो कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित एक निसर्ग रम्य गांव है। बारी विलेज मुंबई से अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर और पुणे से अप्रोक्सीमेटली 170 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मुंबई साइड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हो तो कसारा की लोकल ट्रेन पकड़ के आप कसारा पहुंच जाना, और यहाँ पर स्टेशन के बाहर ही आपको बारी विलेज जाने वाली शेयरिंग जीप मिल जाएगी। बस एक चीज़ याद रखो, जैसे आप स्टेशन के बाहर निकलोगे दोस्तों तो थोड़ा लेफ्ट की तरफ चल के जाना, और यहाँ पर आपको राजूर और बारी जाने वाली शेयरिंग जीप्स मिल जाएगी। शाम के 6:30 बजे तक यहाँ पर आपको शेयरिंग जीप्स मिल जाएगी। अगर आप 6:30 बजे के बाद बारी विलेज जाना चाहते हो तो आपको एक प्राइवेट जीप करनी पड़ेगी। एक जीप में इतने सारे लोग, यहाँ पर बैठना अनकंफर्टेबल तो था दोस्तों, बट ट्रैवल का असली मजा और एक्सपीरियंस इसमें ही तो है। अभी पेट पूजा करके दोस्तों हम लोग ने ट्रैक को स्टार्ट किया है, और अभी से ही ठंड शुरू हो चुकी है दोस्तों। ऊपर जाने के बाद इतनी खतरनाक ठंड रहने वाली है ना, बिकॉज टेम्परेचर आराम से 14-15 डिग्री ड्रॉप हो जाता है, वो तो ठीक है यार, बट ऊपर जो तरीके से हवा चलती है ना, खतरनाक हवा रहती है। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था दोस्तों तो हम लोग टेंट लगा ही नहीं पा रहे थे, टेंट लगाने गए तो हवा के वजह से टेंट सेटअप भी नहीं हो रहा था, और कैसे कैसे हम लोग ने सेटअप कर दिया टेंट, उसके बाद फिर टेंट की जो स्टिक्स रहती है वो बेंड होने लगी, खतरनाक हवा रहती है। और ड्रोन भी उड़ता नहीं है, बट ड्रोन शॉट लिए बिना तो हम लोग जाएंगे नहीं। ये लगता है होने वाला आज का हम लोग का ट्रैवल कंपेनियन, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एक बोरवेल है, हपसी है यहाँ पर, और यहाँ से अगर आप राइट साइड जाओगे तो यहाँ से प्रॉपर ट्रेल स्टार्ट होती है। ये जो घर है उसके बैक साइड से फाद में आएगा कलसुबाई का छोटा मंदिर, और फिर वहाँ से प्रॉपर जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना यहाँ से राइट साइड जाना है आपको। शाम के वक्त यहाँ ठंडी हवा में सब अपना अपना काम कर रहे थे, और हम ये गांव की पीसफुल वाइब्स एंजॉय करते करते धीरे धीरे कलसुबाई देवी का छोटा वाला मंदिर यानी कि नीचे वाले मंदिर के पास बढ़ रहे थे। और अभी थोड़े ही समय में शुरू होने वाला था हम लोग का प्रॉपर नाइट ट्रैक। अभी हम
यहाँ से दोस्तों हम लोग का प्रॉपर ट्रेल स्टार्ट हो जाएगा और आधे तक प्रॉपर लाइट्स भी है, तो नाइट ट्रैक करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से नाइट ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो छोटा पहाड़ है ये चढ़ने के बाद लगता है कलसुबाई देवी का छोटा वाला मंदिर, मतलब नीचे वाला मंदिर, और जो प्रॉपर मंदिर है वो एकदम टॉप के ऊपर है। तो हर किसी को एकदम टॉप के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसलिए नीचे एक छोटा मंदिर है कलसुबाई का। तो पहले अभी मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। जो मंदिर के पास पहुंचने के लिए अभी यहाँ से लेट से 20 मिनट्स का हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे मंदिर के पास। और यहाँ के ट्रेल्स ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, कंफ्यूजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे आते हैं तो आप इजीली जा सकते हो। दोस्तों ये जो है ये है कलसुबाई देवी का नीचे वाला मंदिर, छोटा वाला मंदिर जो पहाड़ के नीचे है, आप देख सकते हो काफी मस्त मंदिर है दोस्तों। और यहाँ पे जो अगरबत्ती लगाई है ना, पता नहीं कौन सी अगरबत्ती है, बट इतना मस्त उसका खुशबू आ रहा है ना, बहुत मस्त लग रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर ही सो जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर सोएंगे तो हम लोग सनराइज मिस कर देंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग सो नहीं सकते। बट पता नहीं क्यों आएगी से खुशबू की वजह से बहुत मस्त वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पर। रात के घने अंधेरे में हम धीरे धीरे ये खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे। ये ट्रेल्स पे आपको कई सारे ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे जो रात भर चालू रहते हैं, तो यहाँ पर आप सेफली नाइट ट्रैक कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये ट्रैक के दौरान आपको ये ट्रेल्स पे कई सारे इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स देखने मिलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सेफली चलना। वेल दोस्तों अभी हम लोग का 30% ट्रैक हो चुका है। यहाँ पे ट्रैक करने को मजा तो आ रही है बिकॉज एकदम मस्त क्लाइमेट है, ठंडी है, बट एकदम स्टीप असेंड है तो थोड़ा थकने हो रहा है, बट स्टिल मजा आ रहा है दोस्तों। बिकॉज ये जो स्पीकर है, ये स्पीकर के ऊपर हम लोग एकदम मस्त साइलेंट सॉन्ग सुनते सुनते हाइकअप कर रहे हैं। ये जो स्पीकर है दोस्तों ये है आर्टिक फॉक्स का जेट स्पीकर, एकदम लाइट वेट पोर्टेबल स्पीकर है, खास ये ट्रेकिंग हाइकिंग साइकिलिंग के लिए बनाया गया है स्पीकर। 8 आवर्स का बैटरी लाइफ, इसको बस इजिली किसके ऊपर भी क्लिप करो, साइलेंट सॉन्ग सुनते सुनते ट्रेकिंग साइकिलिंग करो, बहुत मजा आता है। अभी और 2 घंटे का हाइक बचा है, लेट्स सी कितने टाइम में हम लोग ऊपर पहुंचते हैं। अभी जो मेन लोकन का सीढ़ी आएगा उसके बाद हम लोग टेंटिंग करके सो जाएंगे, लेट्स सी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। एंड दोस्तों ये जो है ये फर्स्ट स्टेप, मतलब प्रॉपर मेटल की सीढ़ी है, और टॉप तक जाने के लिए ऐसी 3 से 4 सीढ़ियां लगती है दोस्तों। अभी आई गेस और एक सीढ़ी ऐड की है, पता नहीं, लास्ट ईयर में यहाँ पे आया था तभी तो 4 सीढ़ी थी प्रॉपर। जो फाइनल वाली सीढ़ी है दोस्तों वो चढ़ने के लिए मजा आती है, वो हम लोग कल सुबह चढ़ेंगे। अभी और थोड़ा हाइक करेंगे, टेंट लगा के सो जाएंगे। वेल दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कलसुबाई के ऑलमोस्ट टॉप के ऊपर। अभी यहां से 15 मिनट अगर हम लोग ट्रैक करेंगे तो कलसुबाई के पीक के ऊपर पहुंच जाएंगे, बट अभी हम लोग पीक के ऊपर नहीं जाएंगे, रोज ऊपर खतरनाक हवा चलता है, तो हम लोग ने सोचा है कि यहीं पे हम लोग कैंपिंग करके सो जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठेंगे और सनराइज कैप्चर करने जाएंगे। लकीली दोस्तों हम लोग को यहाँ पे खाना मिल गया, ये जो होटल है ये होटल का नाम है प्रतीक्षा होटल, ऑलमोस्ट टॉप के ऊपर ये होटल दोस्तों। और हम लोग को लगा नहीं था कि आज खाना मिलेगा, हम लोग टिप्स वेफर्स लेके आए थे, बट अभी रात का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 11:30-11 बजे है और हम लोग को खाना मिल गया। लकी है, हम लोग खाते हैं सो जाते हैं, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड नाइट, बाय। ये दोस्तों हम लोग का खाना, चपाती दाल, ये है मटकी और थोड़ा सा बटाटे का भाजी जो चपाती के पीछे छुपा है। तो अभी खाएंगे हम लोग और सो जाएंगे, यहाँ पर ही कैंप लगा के सो जाएंगे मस्त। वैसे तो मैंने कलसुबाई ट्रैक ऑलरेडी 3 बार किया था और 2 बार प्रॉपर व्लॉग भी शूट किया था, बट मैंने वो व्लॉग अपलोड नहीं किया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट इतना बुरा था दोस्तों कि ना मैं ड्रोन फ्लाई कर पाया और ना पीक के ऊपर से कुछ विजिबल था। और जब तक एक प्रॉपर व्लॉग नहीं बनता मुझे वीडियो अपलोड करने का मन नहीं करता, और इसीलिए अपने चैनल के ऊपर आज तक कलसुबाई ट्रैक का वीडियो अवेलेबल नहीं था।
गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम लोग उठ चुके हैं, एकदम मस्त नींद लगी, कल खतरनाक ठंड थी दोस्तों, दो दो ब्लैंकेट्स लेके सोए थे हम लोग। अभी हम लोग निकलेंगे पीक के ऊपर जाने के लिए, थोड़ा चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे यहाँ पे, और फिर थोड़ा सा डे लाइट आएगा दोस्तों, यहाँ से निकलेंगे पीक के ऊपर जाने के लिए। वैसे अभी जाने का मन तो कर रहा है बिकॉज ऊपर मस्त फॉग आया, बट थोड़ा सा सनलाइट के लिए रुके हम लोग। जैसे थोड़ी सनलाइट आएगी तो व्लॉग करने को भी मजा आएगा और ऊपर से व्यू भी एकदम मस्त दिखेगा, एंड ड्रोन शॉट्स ऑफ कोर्स लेने ही है। तो अभी कुछ खाते हैं और निकलते हैं ट्रैक करने। एंड दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली अभी सनराइज हो रहा है धीरे धीरे, और अभी हम लोग जा रहे हैं कलसुबाई पीक के ऊपर। लिटरली बोलता हूँ बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर, मेरा नाक बंद हो गया ठंड की वजह से, सर्दी भी हो गया मेरे को। अभी आप देख सकते हो ये जो है, यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे, यहाँ पर एक बड़ी सी सीढ़ी है, वो चढ़ने के बाद हम लोग सीधा टॉप पे रहेंगे। ये है कलसुबाई का टॉप और इसके ऊपर ही कलसुबाई देवी का मंदिर है दोस्तों। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं हवा बढ़ती जा रही है, ऊपर बहुत मस्त हवा रहने वाली है, बट स्टिल लास्ट टाइम जो हवा थी दोस्तों वो मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता, इतनी खतरनाक हवा चल रही थी यहाँ पे। बट आज कंपेयर किया तो बहुत अच्छी हवा है, मतलब एकदम नॉर्मल हवा चालू है। क्या वाइब्स है दोस्तों यहाँ पे, ठंड है बट बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। बैक साइड स्काई का कलर देख सकते हैं यार, बहुत खूबसूरत है। नाक बंद है मेरा इसलिए चढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बट स्टिल द वाइब्स आर सो गुड। दोस्तों आप देख सकते हो अभी ड्रोन बंद है, फिर भी इसके विंग्स आप देख सकते हो, क्या जोर से घूम रहे, ये बस हवा की वजह से घूम रहे हैं। देखो क्या देखो, आप इस चीज से हवा का अंदाज लगा सकते हैं यहाँ पे। अब मैं ड्रोन ऑन करूंगा, स्मॉल मैसेज फ्रॉम द स्पॉन्सर ऑफ द वीडियो आर्टिक फॉक्स। दोस्तों ये है आर्टिक फॉक्स का न्यूली लॉन्च जेट ब्लूटूथ ट्रैवल स्पीकर, लाइट वेट, पोर्टेबल, वाटरप्रूफ एंड 8 hours ऑफ बैटरी लाइफ विथ लेस देन 1 hour ऑफ चार्जिंग। दैट मीन्स अ परफेक्ट स्पीकर दैट यू कैन टेक अलॉन्ग विथ यू ऑन योर एडवेंचर्स। यू कैन क्लिप दिस स्पीकर ऑन योर रक्सैक, हुडीज, पॉकेट्स and enjoy your favorite music on your journey. This speaker is 100% designed and manufactured in India. ये Arctic Fox के speaker का best part मुझे personally लगा वो है इसका superb audio quality and call receiving and hang up feature. वैसे तो दोस्तों ये speaker का MRP है 999, but if you are using my code ANI799 then you will get this speaker for 799. For more details and Best Buy link, just check out my description box. एंड दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के टॉप के ऊपर, द एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र यानी कि कलसुबाई
आप देख सकते हो मेरे एग्जैक्टली बैक साइड ही कलसुबाई देवी का मंदिर है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो एकदम खतरनाक हवा चालू हो चुकी है। सुबह इतनी हवा नहीं थी, अभी बहुत खतरनाक हवा चालू है दोस्तों। अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे देवी के मंदिर के पास, देवी का दर्शन लेंगे दोस्तों। उसके बाद में आजू बाजू की जो सराउंडिंग है वो आपको बताता हूँ, और फाइनली लास्ट में हम लोग जाएंगे यहाँ पे पत्थरों से ऐसा बड़ा सा कलसुबाई लिखा है, तो उसकी कुछ ड्रोन शॉट्स लेने हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। अभी बढ़ते हैं देवी के मंदिर के पास। एंड दोस्तों आप देख सकते हो ये है कलसुबाई देवी का मंदिर। मंदिर के जो वॉल्स है उसके ऊपर मस्त ऐसा वारली पेंटिंग की है, और ये मंदिर के जो वॉल्स है वो काफी थिक है, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत जोर की हवा चलती है, काफी पुराना कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। और मुझे एक खास बात ये मंदिर की पता चली, मतलब कल ही पता चली, जब मैं ट्रेकअप कर रहा था तभी ऑन द वे मुझे एक यहाँ के लोकल अंकल मिले। और लोकल अंकल ने मुझे बताया कि ये जो मंदिर है दोस्तों तीन डिस्ट्रिक्ट के एग्जैक्टली बीच में आता है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते बट ऑलमोस्ट बीच में आता है, ठाणे, अहमदनगर और नासिक, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के एग्जैक्टली बीच में पहाड़ है, और ये पहाड़ के ऊपर मंदिर है दोस्तों। अभी देवी का दर्शन तो मैंने ले लिया है दोस्तों, अभी मैं आपको आजू बाजू का सराउंडिंग दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे वो पत्थरों के पास। यहाँ के बंदर वैसे तो दोस्तों बहुत खतरनाक है, बैग्स वैग्स उठा के भाग जाते हैं, पर ऐसे प्यारे बंदर को देखा तो बहुत दया आती है। उसके पैर को आई गेस लगा है, हाँ उसके पैर को लगा है ब्रो। एंड दोस्तों आप देख सकते हो एग्जैक्टली सामने ये जो शैडो दिख रहा है ये है कलसुबाई के पहाड़ का शैडो। वैसे तो ये पहाड़ इतना ऐसा ट्रायंगुलर नहीं है, बट स्टिल ये शैडो आप देख सकते हो एग्जैक्टली ऐसा ट्रायंगुलर शैडो है। और ये जो दिख रहा है आपको सामने ये है अलंग मदन कुलन AMK के पहाड़। वैसे तो यहाँ से बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं दोस्तों, बट फिलहाल तो कम्प्लीटली हेजी है इसलिए विजिबिलिटी कम है। तो अभी हम लोग जाते हैं सीधा वो पत्थर के पास। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलसुबाई, कात्राबाई और रत्नाबाई ये तीनों बहनें थी, और इन्हीं बहनों के नाम पर यहाँ के पहाड़ों के नाम रखे गए हैं, और पहाड़ों के ऊपर आपको इनका मंदिर भी देखने मिलेगा। सबसे बड़ी बहन थी कलसुबाई, उसके बाद कात्राबाई, और कात्राबाई देवी का मंदिर आपको कात्राबाई पीक के ऊपर देखने मिलता है, और उसके बाद रत्नाबाई, और रत्नाबाई देवी का मंदिर आपको रतनगढ़ के ऊपर देखने मिलता है। दोस्तों अगर आप रतनगढ़ गए हो तो आपने कात्राबाई का पहाड़ जरूर देखा होगा जो एग्जैक्टली रतनगढ़ के सामने दिखता है। तो आप देख सकते हो ये है वो लोकेशन, एरियल व्यू से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे प्रॉपर आपको ऐसा कलसुबाई लिखा हुआ दिखेगा। ये जो आपको व्हाइट कलर के पत्थर दिख रहे हैं ये एक्चुअली पत्थरों से ऐसा बड़ा सा कलसुबाई लिखा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसने अभी पत्थर के ऊपर जो व्हाइट कलर का चूना लगाया था वो बारिश की वजह से निकल गया है, बट स्टिल एरियल व्यू से हम लोग को एकदम प्रॉपर व्यू मिलेगा। यहाँ से आपको देखने पे लगा कि ये क्या ऐसे उल्टे सीधे पत्थर है व्हाइट कलर के, बट एरियल व्यू से आपको एग्जैक्टली समझेगा कि क्या है वो चीज। अभी यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ से मस्त ड्रोन फ्लाई करते हैं एंड एंजॉय द व्यू in 3, 2, 1। वेल दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये वीडियो के ऊपर एक मस्त कमेंट करना, ये वीडियो लाइक करना, मेरे चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो विद दैट बीइंग सेड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।